देखो एक और डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्पेलिंग चेक कर लेना. व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स फॉर विच रोज आर कन्वर्ट इन टू करस्पॉन्डिंग कॉलम. रोज को किसमें कन्वर्ट करनी है? करस्पॉन्डिंग कॉलम. इज कॉल अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक फॉर विच rows are converting to corresponding column. One can say also that a column are converting to the corresponding row. That one is known as a transpose of a matrix. देखो बच्चों मैं इसका example नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास NCERT से exercise 3.3 उसका main first और उसका एक first question है. question ये है कि find transpose of a matrix. Okay, the question is like this: A equals to 5 minus 1 by 2 minus 1. Agar transpose of a matrix chahiye, that is denoted like A dash also, and sometime it is say AT. T stand for the transpose, dash is also stand for the transpose. Ab bacho, ye first row, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसको मैं बोल सकता हूं, और फर्स्ट कॉलम, तो ये कौन से टाइप का है? वन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्री क्रॉस वन. ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? थ्री रोज, वन टू एंड थ्री एंड वन कॉलम. अगर मैं ए डैश इसका निकालता हूं, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रोज आर कन्वर्ट इन टू कॉलम या तो कॉलम आर कन्वर्ट इन टू रो. तो अगर ये जो फर्स्ट रो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. थर्ड रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? थर्ड कॉलम में. तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब आप लोग क्लियर देख सकते हो, इसको रो होगी वन, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे? थ्री. वन रो, वन टू एंड थ्री. दिस इज कॉल्ड अ वन क्रॉस थ्री. फिर से एक बार कि अ मैट्रिक फॉर विच रोज आर कन्वर्ट इन टू कॉलम. ये जो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, दे आर कन्वर्ट इन टू कॉलम. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो दिस इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इवन दो द गुड एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. देखो एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड हम लोग ट्राई करेंगे. एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 और उसका सेकेंड क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन. बी इक्वल्स टू माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन. अब क्वेश्चन क्या है? देन वेरीफाई. फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, और सेकेंड टाइम जो है वो ए माइनस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश. तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 उसका सेकेंड क्वेश्चन है. मैट्रिक ए इज गिवन, मैट्रिक बी इज गिवन, वेरीफाई दिस वन. मतलब क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. जैसे कि इसके लिए सर सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन प्लस बी माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन. अब मेरी बात सुनो, ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है. माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू, फाइव प्लस वन सिक्स माइनस फाइव थ्री माइनस टू, फाइव प्लस वन सिक्स सेवन प्लस टू इलेवन नाइन माइनस वन फोर एंड टू. अब बच्चों क्या चाहिए? ए प्लस बी होल ट्रांसपोज. देखो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि रोज आर कन्वर्ट इन टू करस्पॉन्डिंग कॉलम. तो ये जो फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी. फाइव थ्री माइनस टू फर्स्ट कॉलम, सिक्स इलेवन नाइन सेकेंड कॉलम,
माइनस वन फोर टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसको मैं रिजल्ट वन भी बोल सकता हूं। अब बच्चों मैं उसके लिए फटाफट ए ट्रांसपोज, रोज आर कन्वर्टिंग टू कॉलम, ये जो दिख रहा है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन, माइनस टू वन वन, ठीक है। अब मैं यहीं पे बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन टू जीरो एंड देन वन थ्री वन। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को क्या निकालना है, देखो ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेम थिंग फॉर द बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन थ्री नाइन वन प्लस बी ट्रांसपोज माइनस फोर वन 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 टू थ्री माइनस फाइव जीरो वन। नाउ आई एम गोइंग टू एड दिस टू, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स माइनस वन थ्री इलेवन फोर माइनस टू नाइन एंड टू। आप लोग देख सकते हो कि दिस इज टू। अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आप लोग क्लियरली देख सकते हो ए प्लस बी होल्ड एस, इसकी वैल्यू देखो, ये ए प्लस बी होल्ड एस इसकी वैल्यू देखो, और ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश इसकी वैल्यू देखो, ए प्लस बी होल्ड एस की वैल्यू देखो, फिर आप देखेंगे ए डैश प्लस बी डैश उसकी वैल्यू देखो। ए प्लस बी होल्ड एस को वैसे ऑलरेडी इक्वेशन वन बोला है, इसको ऑलरेडी इक्वेशन टू बोला है। सडनली लिखा है फ्रॉम वन एंड टू वी हैव ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दस वी कैन वेरीफाई दिस। फोकस कर लें थोड़ा, जूम कर लें, आई आती आप बच्चों आनी जरूर मिलती, वीडियो बंद ना करता हूं। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ फॉलो अप करना कैमरामैन। जैसे कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, मेरे साथ कैमरामैन फोकस करेंगे कि ए इज दिस मैट्रिक, प्लीज बी इज दिस मैट्रिक, देन वन हैज टू वेरीफाई ए माइनस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। कैमरामैन ओके ऑलराइट ए this one b this one, now verify one is to this one। तो बच्चों अब मैं सबसे पहले a minus b focus करूंगा, a plus minus one into b, a क्या है मेरे पास minus one two three five seven nine minus two one one plus minus one into b minus four one माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन। अब ए माइनस बी, देखो बच्चों यहां पे सर थोड़ा डायरेक्ट ट्राई करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस फोर, माइनस वन प्लस फोर, माइनस वन प्लस फोर क्या हो जाएगा थ्री, ये माइनस वन तो टू माइनस वन दैट इज वन, माइनस माइनस प्लस फाइव तो थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा एट, 5 माइनस वन फोर, 7 माइनस टू फाइव, 9 और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, फिर होगा 1 माइनस थ्री, 1 माइनस थ्री माइनस टू एंड 1 माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। तो बच्चों ये क्लियर मेरे पास आ रहा है ए माइनस बी। अब उसका ट्रांसपोज, तो रोज आर कन्वर्ट इनटू कॉलम, 318
459 minus 3 minus 2 0. You can call this as a result 1. अब RHS के लिए चलना है. देखो मेरा प्रूव क्या था, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं. मेरा प्रूव क्या था कि a minus b whole dash equals to a dash minus b dash. तो अब मैं वापस से वो कोशिश नहीं करूंगा. प्लीज आपके पास a dash है, आपके पास a dash है, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला है. आपके पास a dash है, इवन तो आपके पास b dash है, आई होप ये भी आपके पास है. तो मैं वो वैल्यूज वहां से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, जैसे कि a dash plus minus 1 into b dash. आप लोग समझ रहे हो? तो minus 1, 5, minus 2, 2, 7, 1, 3, 9, 1, plus minus 1 into b dash, minus 4, 1, 1, 1, 2, 3, minus 5, 0, 1. अब बच्चों यहां पे भी मैं वही कोशिश करने वाला हूं, डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन. माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 क्या होगा 3, फिर ये माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, ये माइनस 1, दिस इज माइनस 3, 2 माइनस 1 इज 1, 7 माइनस 2 इज 5, और ये माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, फिर होगा 3 माइनस माइनस प्लस 5, 8, 9, दिस इज एज इट इज, और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो दिस वन इज रिजल्ट 2. तो दोनों रिजल्ट, रिजल्ट 1 और 2 दोनों सेम आ रहे हैं. तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2 a माइनस b होल डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश, दस इट इज वेरीफाइड. फोकस करें, यहां फोकस कर दे, धीरे 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 ऊपर से नीचे आओ जाए. स्क्रीन पर ले ले पूरा.